पड़ेगा, लाइन लेनी पड़ेगी, और मैं ये बिना कोऑर्डिनेट के बना रहा हूँ, बिना कोऑर्डिनेट के, ठीक है जी सर। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया फर्स्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, अब मुझे राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड में मेरा कितना डिस्टेंस था, 70। तो आप यहाँ पे राइट साइड में करके 70 टाइप कर दो और एंटर कर दो। जी सर। तो आपकी 70 की लाइन बन गई। जी सर। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है। जी। ऊपर कितना जाना है, 60 हाँ। तो ऊपर की तरफ आपने माउस से किया और 60 टाइप किया नीचे और एंटर कर दिया, तो ये आपके स्क्रीन से बाहर निकल गई लाइन। तो एक बार आप इस पे क्लिक कर दो यहाँ पे जो टॉप लिखा हुआ, तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा स्क्रीन पे, आ गया जी सर। और यहाँ पे फिर आपको 70 जाना है और नीचे की तरफ करके 60 जाना है ना। तो ये आपका बन गया रेक्टेंगल। अब आपको इसके सेंटर पॉइंट से ही बनाना है ना। देखो आपको इसके लाइन के सेंटर पॉइंट से एक सर्कल बनाना है कंप्लीट, और एक आपको आधा सर्कल बनाना है ना। जी सर। तो कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सर्कल विथ रेडियस, सेंटर विथ रेडियस। ओके, आपका वहां पे क्या पता है, एक तो सेंटर पॉइंट पता है और दूसरा रेडियस। जी। तो आप यहां से ये लीजिए, आप क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो आप इसके लाइन के सेंटर पॉइंट पे देखो, दिखा रहा है आपको मिड पॉइंट, क्लिक कर दो यहीं पे। अब आपको रेडियस कितना लेना है, 25 है। चेक करो एक बार, 20 है 25 है। बताओ 20 सर। तो आप 20 सर, 20। हाँ, तो 20 डाल दो, बन गया आपका जी सर। अब आपको क्या चाहिए, आर्क है ना जी सर। तो आर्क में भी आपको क्या क्या चीजें पता है ये देखो, पहले आपको सेंटर पॉइंट पता है इसका, पता है हमें आपको इसका स्टार्ट पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है जी सर। आपको इसकी लेंथ भी पता है कॉर्ड की जी। और आपको इसका एंगल भी पता है कि कितना होता है, 180 होता है ना हाफ सर्कल का। हाँ सर। तो आपको तो कई सारी चीजें पता है अब इसमें, तो आपके पास में आर्क के देखो, आप ये ले सकते हो स्टार्ट, सेंटर और एंड ले सकते हो, तीनों पॉइंट पता है ना हमें ये। अच्छा, फिर उसके बाद में स्टार्ट, सेंटर, एंगल भी ले सकते हो, क्योंकि हमें स्टार्ट पॉइंट भी पता है, सेंटर पॉइंट भी पता है और एंगल भी पता है। और आपको ये भी ले सकते हो, क्रिएट एन आर्क यूजिंग स्टार्ट पॉइंट, सेंटर एंड कॉर्ड लेंथ, पता है ना हमें कॉर्ड लेंथ कितनी है, 70 जी सर। आपको एंड भी पता है, स्टार्ट भी पता है और एंगल भी पता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो स्टार्ट, एंड और रेडियस। रेडियस भी पता है कितना है, 35 जी सर। तो कौन सा मेथड आप इसमें से फॉलो करना चाहोगे, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड और एंगल, ठीक है ये चूज कर ले जी। स्टार्ट पॉइंट कौन सा आपका ये, और एंड पॉइंट कौन सा आपका ये, और एंगल कितना लेना है आपको, 180 बन गया देखो। और इस लाइन को क्या कर दो, डिलीट। बन गया कि नहीं जी सर। अब क्या बनाना है आपको, यहाँ बीच वाला रेक्टेंगल जी सर। अब बीच वाले रेक्टेंगल के लिए देखो, आपका यहाँ से डिस्टेंस कितना दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10, और यहाँ से वर्टिकल नीचे से 15। अच्छा, तो इस कॉर्नर का देखो, यहाँ से हमें 10 आना पड़ेगा और ऊपर 15 जाना पड़ेगा जी सर।
आपको ये कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब ये लेंथ कितनी है आपकी, 15 है ना जी? हाँ सर। ठीक है, अब देखो कैसे, अब फिर से आपको क्या लेनी पड़ेगी, लाइन एल एंटर करते हैं। अब इसका स्टार्ट पॉइंट आपको कहां से स्टार्ट करना है, इस कॉर्नर से? यस और नो? यस। और आप इसी कॉर्नर पे क्लिक कर दो फर्स्ट पॉइंट के लिए। अब आपको इस डायरेक्शन में कितना जाना है? 15 10 भाई 10 10 10 10 सर 10 और ऊपर की तरफ कितना जाना है आपको? 15 तो आपका ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब इस तरफ कितना जाना आपको? 50 और ऊपर की तरफ 15 और इस तरफ 50 और नीचे की तरफ यहाँ पे क्लिक कर और इस लाइन को और इस लाइन को क्या कर दो, सिलेक्ट करके डिलीट। तो बन गया, देखो आपका ऑब्जेक्ट कितना इजी था। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, दूसरा वाला किस किसने बना के भेजा है? अमन, अमन नहीं आया सर। सर डायमेंशन के लिए या एनोटेट पे होता है आपका, यहाँ से लीनियर डायमेंशन लो, जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाना है तो दोनों पॉइंटों पर क्लिक कर दो। तो ये आपको देखो डिस्टेंस दिखा रहा है 70। ठीक है, तो ये आगे आएगा, अभी आपके परेशान ना हो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये अच्छा, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है, ये एनोटेट में ये वाला ऑप्शन लीनियर, यहाँ से ये लेना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और दो पॉइंट दे करके लगा दो। ठीक है, और सर नंबर के लिए, सर नंबर के लिए नंबर आ तो रहा है। अच्छा सर, नंबर वो बोल रहे हैं सर, वो जो लिखना जो है वो पूरा 15 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर कैसे लिखें? ये जैसे 50 वो ड्राइंग में जैसे लिखा है, ये चीज लिखी तो है उसमें, आपको नहीं गौर से नहीं दिख रहा। अच्छा, छोटा आ रहा है, इस वजह से नहीं दिख रहा क्या? डी एंटर करते हैं, इसको मॉडिफाई में जाते हैं और यहाँ से इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, आप कर दो इसमें 2 और सिंबल साइज भी कर दो 2। ओके, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप सही दिख रहा है आपको? नहीं दिखा अभी भी? क्यों भाई, यही तो पूछ रहे हो ना? गौतम जल्दी बोलो भाई। जी सर। और कुछ पूछना चाहते हो? बताओ भाई। सर आपने लाइन पे क्लिक किया? हाँ। सर मैं वो लाइन पे क्लिक करने के बाद सर स्क्रीन पे नहीं, नहीं देखो 70। जी सर। आप सीधे यहाँ से लो ये लीनियर डायमेंशन, ठीक है? हेलो। हाँ मैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बड़ी मुश्किल से चला सर, अभी सर चला ही नहीं पहले। क्यों? पता नहीं सर, नेट प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, अभी चला। गौतम, गौतम ही पूछ रहे थे ना? जी सर। तो आप यहाँ से इस लाइन का वो लेना चाह रहे थे डायमेंशन ना, तो यहाँ से लो लीनियर एनोटेशन पे लीनियर। तो आप यहाँ से जैसे कि आपको इस पॉइंट से मेजर करना है इसका डिस्टेंस, तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देंगे, ठीक है, और सेकंड पॉइंट देंगे जहां तक आपको चाहिए, और फिर इसको जितना भी इससे दूर रख के आपको दिखाना है वहीं क्लिक कर। डायमेंशन से करेंगे ना इसको? हाँ, डायमेंशन।
और अगर रेडियस दिखाना है तो आपको यहाँ से रेडियस देना पड़ेगा, ये देखिए आपको रेडियस दिखा रहा है। रेडियस कहाँ से लेना सर? उसी में लीनियर के आगे एक छोटा सा एंगल है, मतलब पॉइंट है, तो उसी में आपको रेडियस और डायमीटर का ऑप्शन आता है। ओके ओके ठीक है भाई, जी सर आ गया। अब दूसरा वाला फिगर देखते हैं। दूसरे वाले फिगर में देखो आप, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से स्टार्ट करते हैं बनाना इस बार, ठीक है? जी जी, ऊपर से गिरो स्टार्ट। हाँ नहीं, नीचे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, अब इस कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 70। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 सर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर से 70। हाँ जी, लाइन बना ले जी सर। अच्छा एक चीज और देख लो यहाँ पे कि जो 100 वाली लाइन है जी सर, और उसके सेंटर से ऊपर की ऊंचाई कितनी है? 20। पक्का? जी सर जी सर। ये लिखा हुआ है? नहीं भाई 20 है, ये लिखा 20। हाँ सर 20 है, 20 हाँ। सबको समझ में आ रहा है? जी सर जी सर। अब देखो एक लाइन लेते हैं, लाइन ली हमने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, और इस तरफ हमें कितना जाना है पहले? 70 सर। तो आप 70 डाल के एंटर कर दो। जी सर वो ठीक। फिर दोबारा से आगे की तरफ बढ़ाओ, कितना डिस्टेंस लेना है आपको? 100 डाल के एंटर कर दो। जी सर। फिर एक और आगे जाना है, कितना? 70। अब वो नीचे की तरफ आना है आपको, नीचे का भी डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। आपका 50 है, 60 और 50 है ना? जी सर। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो नीचे की तरफ पहले कितना आएंगे? 60 पहले 50 है। हाँ सॉरी, हाँ जी हाँ जी। कंट्रोल जेड करते हैं, अगर ऐसी गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड कर सकते हो। ओके सर। तो 22 डाला आपने। जी सर। अब फिर कितना चाहिए आपको? 60 हाँ जी हाँ जी। और फिर नीचे आपको फिर से 50 ठीक है, और ऐसे ही वापस जाना है 70 और ऊपर भी वैसे ही जाना है हमें 50 जी सर, और 60 और लास्ट में फिर से 50 वही मिलेगा जाकर के जी सर। अब आपको इसमें देखो ये लाइन आपकी कौन सी है? 50 वाली जी सर। और ये लाइन आपकी कौन सी हो गई? 100 वाली सर। 100 वाली। तो इसके मिड पॉइंट से आपको ऊपर जाना था जी सर, तो आप यहाँ पे एल टाइप करेंगे, लाइन लेंगे जी सर। तो इस पे जैसे ही जाओगे तो एक ट्रायंगल से आपको मिड पॉइंट दिखाएगा। ओके सर। देखो वैसे तो आपके यहाँ पे एक 70 वाली का भी मिड पॉइंट है दोनों तरफ है ना जी सर। तो जी आप सर। ऐसे अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि यही आपकी 100 वाली का मिड पॉइंट होगा जी सर। तो आप यहीं पे क्लिक कर दो, और ऊपर की तरफ कितना जाना है? 20 सर। तो आप 20 डाल दो, और इस लाइन को यहाँ से कर दो डिलीट, जो 100 वाली थी क्योंकि आपको चाहिए नहीं हो। अब आपको आर्क बनाना है यहाँ पे जी सर। अच्छा आपको क्या रेडियस पता है इनका? रेडियस सर 50 होगा सर। नहीं होगा भाई, अगर ये सेंटर पॉइंट होता तो ये रेडियस है। क्या वो उस फिगर में देख रहे हो, क्या ये सेंटर पॉइंट है इसका? नहीं सर। फिर रेडियस कैसे पता है आपको? क्या आपको एंगल पता है, उसके एंगल कितना बनेगा? नहीं सर। अच्छा सेंटर पॉइंट पता है लेकिन नहीं, सेंटर पॉइंट भी नहीं पता आपको। क्या 3 पॉइंट पता है आपको जहां से आपका आर्क गुजर रहा है? जी सर। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पता है बस। आपको तीसरा पॉइंट भी तो पता है, यहाँ से होते जा रहा है सेंटर। हाँ सर। सेंटर नहीं है ये, लेकिन ये यहाँ से होते गुजर रहा है, इतना पता है। तो आपका इसमें एक मेथड है 3 पॉइंट आर्क, याद है? जी सर। तो ये इसी से बनेगा। सर ट्राई किया था पर हुआ नहीं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, और ये आपका थर्ड पॉइंट यहाँ। और पहले सर वो लाइन से 20 लेना सर, वो ऐसे करके वो तभी 20 भी जाएगा ना वो। हाँ 20 की लाइन बनाई ना हमने ऊपर की तरफ, नहीं बनाई थी अभी? हाँ जी हाँ जी बनाई सर। तभी तो ये 20 आ रहा है आपको। ओके ओके सर,
मैंने सर एलिप्टिकल आर्क से बनाया था तो उससे ही नहीं बना हुआ है। हां एलिप्टिकल से नहीं बनेगा। ओके अब ऐसे ही यहां से ये भी 20 है शायद आपका साइड वाला। हां जी 20 है 20 सर। और नीचे वाला भी 20 है जी सर। और आपका ये साइड वाला भी 20 ही होगा। 20 जी सर 20 है। और ये सारी लाइन है आप क्या कर दो यहां से सेलेक्ट करके डिलीट डिलीट क्योंकि ये आपको आसानी होगी वो पॉइंट ढूंढने में स्टार्ट पॉइंट और थ्री पॉइंट आर्क से बना दो सबको। ओके सर कोई डाउट होगा आपको? नो सर अभी आ गया। अब बाकी का बना लोगे या पूरा बनाओ? तो बाकी का बना लिया था यही समझ। आपने ये बोला कि आर्क की गलत है आपकी। भाई सब लोग बनाने के लिए तैयार है? बना लोगे राजेश नवीनेश गौतम? जी सर। चलिए गुड वेरी गुड। तो अब आगे बढ़े? यस सर। आगे आपकी कमांड आते हैं मॉडिफाइड टूल्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? मॉडिफाइड टूल्स। मॉडिफाइड टूल्स यानी कि ये वाला। ओके इसमें सबसे पहली कमांड आपकी कौन सी आती है? मूव। ये मॉडिफिकेशन आप किस में करते हो? जो आपने कुछ बना रखा होगा उसी में तो मॉडिफिकेशन होंगे। यस और नो? हाँ जी सर। ऐसा तो नहीं है कोई आपके पास में कमांड ऑब्जेक्ट है ही नहीं और आप ये मॉडिफाई वाली टूल्स यूज करते हो? नहीं सर कुछ होगा तभी तो। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है तो मूव मतलब क्या होता है? हटाना सर मिलाना सर हटाना। मूव का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना। चेंज करना सर जी सर। किसी दूसरे एक स्थान से दूसरे प्लेस पे उसको उठा करके रखना। तो आप यहां से क्या करें इसकी शॉर्टकट की होती है एम एंटर मूव की। एम एंटर सर। हाँ जी एम एंटर। तो आप यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हो कमांड दिख रही है आपको सबसे ऊपर? जी सर। और सीधे आप एम टैप भी कर सकते हो विंडो में और एंटर कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? जी सर। अब क्या बोल रहा है आपसे नीचे? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन सा वाला? ये वाला मूव करना चाहते हो या ये वाला? ये वाला कर दो बड़े वाला। बड़ा वाला तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेट कर लो इस तरह से। ओके सर। इस तरह से कर लो या एक एक करके सब पे क्लिक करो? मैंने विंडो वाला मेथड इसलिए ले लिया ताकि वो एक बार में सेलेक्ट हो जाए, नहीं तो एक बार इस पे एक बार इस पे एक बार इस पे सब पे एक एक बार क्लिक करना पड़ता है। ओके सर। और अभी भी देखो ये क्या बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जी सर। तो इसको बताना पड़ेगा कि हमने सेलेक्ट कर लिया है तो क्या करेंगे? क्लिक एंटर। एंटर एंटर कर दिया। अब आपसे क्या मांग रहा हूं? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हां इस बेस पॉइंट का देखो हमारे हर जगह काम आएगा ये बेस पॉइंट हर जगह। आगे वाली जितनी भी कमांड है ना लगभग सब में यूज करना होगा आपको बेस पॉइंट। ठीक है ये बेस पॉइंट होता क्या है? अच्छा ठीक है अगर मैं आपको कहूं कि भाई एक कोई किताब है टेबल पर रखी है उसको टेबल से उठा करके चेयर पर रख दो या उसकी रैक पर रख दो तो आप उस किताब को कहीं ना कहीं से तो पकड़ोगे। तो वही आपका बेस पॉइंट माना जाएगा जहां पकड़ेंगे सर है ना। फिर आपका वो पॉइंट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ओके सर। तो आप इसको कहां से पकड़ के उठा के रखना चाहते हो? बीच से ही पकड़ सकते हैं। नहीं वो तो आप कहीं पे भी क्लिक कर दो यहां कर दो। अरे वो भी गया क्लिक यहां पे क्लिक हो गया गलती से। ठीक है तो ये कि आप कहीं पे भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के बाहर ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे कहीं एक्स वाई जेड आप कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है जी सर। अब देखो अगर आप इसमें डिस्टेंस भी देते हो इस डायरेक्शन में
कि मुझे 400 डिस्टेंस पे कॉपी करना, मतलब बुक कराना है इसको, तो वो उसी बेस पॉइंट से 400 डिस्टेंस मेजर करेगा जहां पे आपने बेस पॉइंट लिया। सर डायरेक्शन वही चलेगा जिस साइड को एरो होगा सर? हाँ, ऊपर की तरफ कर दोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है सर। अगर आपको मान लो किसी एंगल पे जाना है, ओके सर, यानी कि इस तरह से, जी सर, क्योंकि अभी तो हमारा ऑर्थो ऑन था, ऑर्थो मोड, जी सर, इसीलिए अब आपको या तो जीरो पे जा रहे थे ना 90 पे जा रहे थे, जी सर, तो अब आप किसी भी एंगल पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि ये कितने एंगल पे है, जी सर। तो आपको मैंने एक मेथड बताया था, एट द रेट डिस्टेंस और एंगल, जी सर, तो उसको फॉलो कर सकते हो। बोल गाना सर सीधे इसके बाद, क्या सर इसके बाद बोल गाना फिर, है ना? हाँ, सीधे एट द रेट डालो, एट द रेट एंगल और डिस्टेंस, डिस्टेंस एंगल, जैसे कि आपको 400 करना है मूव, 400 ग्रेटर देन एंगल, कितना एंगल पे करना है? 45, 60 कर लो सर, 60 एंगल दे दो उसमें और एंटर कर दो, देखिए 60 डिग्री पे पहुंच गया वो। ओके सर, मूव समझ में आया? जी सर। एंगल भी लगा सकते हो, बिना एंगल के भी दे सकते हो, कैसे भी दे दो, तुम्हारी मर्जी है। ओके ओके सर। अब अगली कमांड इसमें आती है क्या, मूव, ओ सॉरी कॉपी, क्या आती है? कॉपी सर। कॉपी का क्या मतलब होता है? कॉपी करना, जैसा एक तो दूसरा कॉपी करना है, हैं? उसके जैसा एक तो दूसरा सर कॉपी करना होगा। बिल्कुल, तो आप यहाँ से कॉपी कमांड यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। शॉर्टकट की है सर, क्या है? क्या थी? शॉर्टकट की। CO. CO? जी CO. ठीक है? ओके सर। तो आप यहाँ पे CO टाइप करेंगे। जी सर। और एंटर करेंगे। क्या बोला? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सर। तो इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है सर। और एंटर मारते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। एंटर मार दिया। अब आपसे क्या मांग रहा है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट सर। बेस पॉइंट। तो देखो, अगर ये आपको इस तरह से एक जैसे पे चेन बनानी है इनकी, तो आप अगर यहाँ पे देंगे तभी तो एग्जैक्टली आप इसको यहाँ लगा पाएंगे। कैसे सर? अगर ये बेस पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे पॉइंट पे लगा पाऊंगा तभी तो ये ऐसे आएगा हर बार। क्या अगर मैं इसको इधर करूँ तो क्या मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लगा पा रहा हूँ? यहाँ पे देखो नहीं आ रहा ना, क्योंकि मेरा बेस पॉइंट तो लेफ्ट में आ गया ना। Okay. जैसे इस पे राइट पे क्लिक करने जाता हूँ मैं, तो जैसे ही जाता हूँ वो मुझे एक ग्रीन कलर से मिड पॉइंट दिखा देता है। मैं क्लिक कर देता हूँ वहाँ पे, तो वो चेन बनती जा रही है। अगर इसी प्रोसेस, अगर हम सर मिडल में एंटर करेंगे तो सर ऐसे सर चेनिंग में कॉपी होगा हमारा, वो अगर मिडल देंगे तो उसको सीधी मिडल में करोगे तो फिर आपका एग्जैक्ट ये पॉइंट कैसे आएगा भाई? कि आपको यही चाहिए? ये तो थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हो गया तो वो तो आपका कट हो जाएगा। जी सर। जैसे आप इस तरफ कर रहे हो और एग्जैक्ट देखो, जैसे ही वहां पे जाते हो ग्रीन पॉइंट आ जाता है आपका। जी सर। और बड़ी आसानी से आप क्लिक कर देते हो और वो एग्जैक्ट उसी पे टच करता है। जी सर। राइट राइट राइट, तो राइट में जाने के लिए तो वो पॉइंट नहीं आ रहा ना आपका सर? हाँ सर, राइट में नहीं आ। तो इस तरह से आपको बेस पॉइंट भी बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। जी सर। सर जी। सर एक साइड चल रहा है, दूसरी साइड नहीं चलेगा, मतलब साइड नहीं चलता, नहीं आएगा नहीं वो, मतलब बेस पॉइंट तो वो दूसरी साइड आ गया ना। जी सर। तो भाई बेस पॉइंट तो वो जैसे ही आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आप उसको सर फिर से कॉपी करके उस साइड से ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो। या आपको डिस्टेंस पता है कितना है? दूसरी साइड से ले लेंगे सर। राइट डिस्टेंस भी दे सकते हो, जैसे कि अभी आपका 70 प्लस 100 प्लस 70 कितना हो गया?
ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर कितना जाना है, ऊपर का डिस्टेंस दे दो तो वो ऊपर आपका कॉपी हो जाएगा। देखो नीचे की तरफ करना है तो नीचे की तरफ डिस्टेंस दे दो तो नीचे कॉपी हो जाएगा आपका। अगर किसी एंगल पे जाना है तो एट द रेट तो किसी साइड से कॉपी कर सकते हैं, किसी साइड में बेस पॉइंट हमें कहीं पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अब इसमें एक चीज देखो, अगली कमांड में बता रहा हूँ आपको, मिरर रोटेट से पहले मिरर, क्या इस कमांड में हम मिरर का यूज कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों सर? सेम है ना सब। अगर मैं कहूँ कि ये आपका इस रैंक के अबाउट सिमेट्रिक कर, आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, नहीं है क्या? हाँ सर। और अगर मैं कहूँ आपका इस वर्टिकल लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, नहीं है क्या? हाँ। है कि नहीं? हाँ सर। तो आपने क्या किया, ये नीचे वाला आर्क नहीं बनाया, ठीक है, आपने सिर्फ इस तरह से लाइन बना ली, इस तरह से, ठीक है जी सर। और आपको ये वाला आर्क नीचे की तरफ यहाँ पे मिरर करना है। अभी तो हमने क्या किया था, तीनों पे अलग अलग लगाया था जी सर। तो आप यहाँ से क्या डालोगे, मिरर, क्या डाल लगाओगे? मिरर। तो मिरर की यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, और शॉर्टकट की क्या होती है, एम आई, क्या तो बात कर, एम आई मिरर, एम आई। तो आपका बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा इस बार? आर्क, ये आर्क, और एंटर मार दो। अब क्या बोल रहा है आपसे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो यानी कि आपको मिरर बनाना पड़ेगा यहाँ पे जी। तो मिरर की पोजीशन क्या होगी इस लाइन के मिड पॉइंट पे? वीडियो चल रहा। क्या हुआ? रुक रुक के चले सर वीडियो। अच्छा, अब सही है? हाँ जी सर। तो आपको सेलेक्ट कैसे करना, आर्क सेलेक्ट करनी, आर्क सेलेक्ट करनी है। ऑब्जेक्ट तो आपको यही है ना, यही तो आपको नीचे की तरफ लेके आना है। ओके ओके, उसको सेट किया और एंटर मार दिया जी सर। अब आपको मिरर लाइन जो लेनी होगी इस तरह से इसके मिड पॉइंट पे लेनी पड़ेगी कि नहीं, तभी तो एग्जैक्ट नीचे आएगा वो उसके। देखो आ गया सर, और इस लाइन पे सर वो समझा नहीं थोड़ा, फिर से बोले शुरू से बताना सर एक बार। एक लाइन बनाई हमने, ये 70 की लाइन है आपकी जी सर, 100 की लाइन है आपकी जी सर, और फिर से 70 की है, ठीक है, यही है जी। और इसके मिड पॉइंट से आपने ऊपर की तरफ 20 का डिस्टेंस दे दिया जी सर, और इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दिया, और आर्क लेकर के आर्क भी आपने इसके ऊपर बना दिया, थ्री पॉइंट से बना दिया। अब आपको ऐसा ही एक सेम नीचे चाहिए जी सर। तो आप क्या करो, अभी नहीं क्योंकि आपको अभी ये लाइन और बनानी पड़ेगी ना जी। कितना है, 50 सर, 60 और फिर से 50 जी सर, और बीच वाली लाइन को फिर से यहाँ से 20 दे दो जी, और आर्क ले करके 3 पॉइंट। गलत हो गया। मिड पॉइंट ये और ये, अब सही है, ये स्टैंड को डिलीट कर दो। अब देखो ये ऊपर वाला हमें नीचे लाना है,
है ना जी, तो मिरर लाइन क्या हम कॉपी से कर सकते हैं? सर कॉपी से हो जाएगा? नहीं, कॉपी से तो सेम डायरेक्शन से होगा ना, वो आर्क नीचे तरफ नहीं आएगा सर। कैसे सर? अगर इसको कॉपी करोगे तो ये आर्क का डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा। हाँ जी सर, नीचे तरफ नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, मिरर से आ जाएगा। ओके सर, तो आप एम आई डालो इसमें। अब देखो आपको ये लाइन भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये आर्क भी और ये लाइन भी। ओके सर, एंटर कर दिया आपने। जी सर, अब क्या लेना है? इससे फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका? 60 50 50 50 100 160 सर 160। यानी कि हमें मिरर लाइन जो लेना पड़ेगा 180 पे लेना पड़ेगा जी, सॉरी 80 पे लेना पड़ेगा ऊपर से। हाँ जी, मिडल में लेना पड़ेगा तभी आएगा। हाँ, तो मिडल पॉइंट देखो हमें दिखा रहा है ये। जी सर, यहीं पे फर्स्ट क्लिक कर दो और यहाँ पे सेकंड कर दो, तो देखो, और यस एंटर मार दो, तो देखो आपका ऊपर से नीचे आ गया ऐसे। सर वही कॉपी कर दूसरे एंड में सर, जो अभी फिर से सर फिर से ये लोग आ रहा क्या सर? अभी ये ना और आप ठीक ना, मैं एक बार और बता, वर्टिकल वाला ठीक है। एम आई डाला आपने यहाँ पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर मार दिया। जी सर, अब इस बार हमें मिड पॉइंट यहाँ से लेना पड़ेगा। जी सर, राइट में लेना है, नीचे की तरफ कर दो, क्लिक कर दो। देखिए आप आ गया ये पॉइंट उधर। जी सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ठीक। मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपका सिमेट्रिक हो वहाँ पे आप मिरर कमांड का यूज कर सकते हो। सर जो जो फिगर पहले सर बनाया थे आप, सर यासी बना सकते हैं? कौन सा वाला? ये वाला? जी सर, जो ये वाला जो फिगर बनाया ना। नहीं सर, ये वाला नहीं, जो अभी बता रहे थे आप। सर ये वाला जो भी शुरू में सबसे फर्स्ट बना रहे थे, तो सर अभी जो भी बताया वैसे बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं भाई। पहले मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको मिरर कमांड बताई नहीं थी। जी सर, सिर्फ भाई जो हमने पहले कमांड सीखी है उसी के हिसाब से तो मैं बताऊंगा। जी सर, भाई मुझे तो पता था कि मैं इसको मिरर कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं पता था कि आप इसे मिरर कर सकते हैं कि नहीं। हमें तो आज ही लगा पता। आपको तो अब पता लगा है ना, जब मैंने आपको करके दिखाया। जी सर, जी सर। इसीलिए जो चीज कमांड ने बताई है मैं उसी का यूज करूंगा आपको उस चीज को बताने के लिए। जी। अब देखो जैसे जैसे आपको ये कमांड सीखते जाओगे, करते जाओगे, वैसे वैसे आपको अपनी ड्रॉइंग है ईजी लगती जाएगी यार। इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है जी सर। तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको मिरर कमांड से, आप यूज कर लेना जब आप इसको बनाए तो। हैं सर, फिगर दे दो कोई आज के लिए। हां मैं दे दूंगा। अब आपका आता है रोटेट कमांड। क्या आता है रोटेट सर? और रोटेट का क्या मतलब होता है सर? घुमाना सर, ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर। लेकिन उसके लिए तो आपको एक सेंटर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ना। जी सर, घुमाने के लिए। जी हाँ सर, तो आप यहाँ से क्या लोगे रोटेट कमांड? इसकी शॉर्टकट की होती है आर ओ। ठीक है, ओके सर। और अब क्या बोल रहा है आपसे? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो और एंटर मार दो। अब बेस पॉइंट आपको कहाँ देना है? ये बेस पॉइंट ही आपका रोटेशन पॉइंट होगा, रोटेशन का सेंटर पॉइंट। कहाँ दूँ बताओ? सेंटर, सेंटर पे। चलो सेंटर रख लेते हैं, सेंटर पे। यहाँ से ये तो सेंटर पॉइंट आ गया। देखो क्लिक कर दो यहाँ पे, तो आप इसको देखो घूम रहा है सेंटर पॉइंट के अबाउट। जी सर, कितना एंगल देना है आपको सर? सेंटर पॉइंट कैसे निकल सर? थोड़ा वहाँ पे पॉज ये हो गया, नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा बताएंगे तो सेंटर पॉइंट निकाला कैसे? ठीक है, अभी बताता हूँ। उसके लिए पहले ये कमांड कंप्लीट कर दो। हाँ सर, तो सिर्फ सेंटर पॉइंट में दिक्कत है, बाकी तो समझ में आ रहा है किस तरह से हमने उसको किया। यस सर, अब आपसे मांग रहा है क्या? रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल
45 दे दो और एंटर कर दो, तो देखिए 45 पे रोटेट हो गया आपका। जी अच्छा देखो अब आर ओ डालो इसमें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो एंटर। अब आपको सेंटर पॉइंट चाहिए ना? जी सर। जी सर। तो देखो एक हमारी यहाँ पे कमांड होती है, ये ऑन करके रखनी पड़ेगी आपको दोनों, ठीक है? अब तो इसको देखो सर? ये आपके ऑब्जेक्ट स्नैप और आपका रेफरेंस लाइंस, ठीक है? ओके सर। तो आप ओके देखो सर। जैसे आपको यहाँ पे डॉट पॉइंट दिखाया तो देखो एक ग्रीन लाइन दिखा रहा है आपको, यस सर। और अब आपको एक हॉरिजॉन्टल और ग्रीन लाइन मिल जाए तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, यस सर। तो आप ऐसे ही यहाँ से सेंटर पॉइंट से ले लो, तो जैसे ही आप उसके नजदीक आओगे ना तो देखो दो ग्रीन लाइन दिखा दूंगी आपको। हाँ सर। यस सर। अब यहीं पे क्लिक कर दो तो यही आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अब देखो आपने इसमें रोटेशन लगाया तो वो ऑब्जेक्ट ही आपका रोटेट हो गया है ना? जी सर। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहे और जो मैं रोटेट करूं वो एक और ऑब्जेक्ट आ जाए आपके पास, कैसे सर? बात आई समझ में मेरी कि नहीं आई? नहीं आई सर, थोड़ा फिर नहीं, नहीं। अभी हमने इससे सर, पहले आवाज जो, कट रहा सर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रोटेशन किया, जी सर, जी सर, उसमें आपका वो ऑब्जेक्ट ही रोटेट हो गया ना? हाँ जी सर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये ऑब्जेक्ट एज इट इज रहे, एक और नया ऑब्जेक्ट आ जाए इसी जगह पे और वो रोटेट होकर के आ जाए। अच्छा ओके सर। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मेरे पास में अभी क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल मांग रहा है। जी सर। एंगल ना दे करके मैं यहाँ पे सी एंटर कर देता हूँ और कॉपी कॉपी एंटर। और देखो अब दो ऑब्जेक्ट हो गए मेरे वहां पे, देख पा रहे हो आप? जी सर। अब रोटेशन एंगल दे दो, रोटेशन एंगल मांग रहा है, कितना दे दे? 90 दे दो सर। 90 दे दोगे तो वर्टिकल आ जाएगा आगे। ओके तो ये आज की कमांड थी आपकी, ठीक है? ओके सर।